हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। आज चर्चा करने चल रहे हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम में एक प्रश्न पुनः नया लेकर आए हैं, जिसमें चर्चा करेंगे हम लोग। एक प्रश्न है सामने आपके दिखाई दे रहा है, ये देखिए है प्रश्न है, जीवन का सच्चा अर्थ स्वयं की इच्छाओं की तृप्ति नहीं, अपितु दूसरों की सेवा में निहित है। यह एक कथन है और उपयुक्त कथन की विवेचना लोक सेवकों के कर्तव्य पालन, यहाँ पर पालन है, पालन के संदर्भ में कीजिए। अब ये प्रश्न है, प्रश्न ये कह रहा है कि जीवन का सच्चा अर्थ स्वयं की इच्छाओं की तृप्ति नहीं अपितु दूसरों की सेवा में निहित होता है। जीवन का सच्चा अर्थ, जीवन का वास्तव में सच्चा अर्थ एक दूसरे के लिए होता है। और क्योंकि राष्ट्रकवि मैथिली सहगुप्त ने भी लिखा है, मनुष्य वह है जो दूसरे के लिए मरे, पशु वह है जो अपने आप में चरे। तो पशुता से हम ऊपर होते हैं, इसीलिए हम मनुष्य हैं। सभी प्राणियों में क्या हैं, बुद्धिमान हैं। तो उपयुक्त लोक सेवक के कर्तव्य में क्या विचारधाराएं आपके जीवन में होनी चाहिए, तो इसका उत्तर देखिए क्या है। कर्तव्य वह नैतिक बाध्यता है। कर्तव्य क्या है, एक नैतिक बाध्यता है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से पृथक करता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर ही नैतिकता है और किसी भी प्राणी में नैतिकता नहीं होती है, इसीलिए मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग है। क्योंकि गाय का कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है, भैंस का कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है, शेर का कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है, वह केवल मनुष्य के अंदर नैतिकता है। वह समाज को देखता है, विचारधाराओं को देखता है, एक दूसरे से प्रभावित होता है और प्रभावित करता है। तो इन समस्त विचारधाराओं को हम यहां पर क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। नैतिक नियमों का नियमित रूप से व्यवहारिक पालन नहीं ही कर्तव्य है। आप ध्यान दीजिए, नैतिक नियमों का नियमित रूप से व्यवहारिक पालन ही क्या है, कर्तव्य है। कर्तव्य सद्गुणों को जन्म देता है और कर्तव्य ही सद्गुणों, सद्गुण माने क्या होता है, सत धन गुण, अर्थात जो अच्छे गुण होते हैं उनको क्या करता है, जन्म देता है। कर्तव्य मनुष्य के अंतर्गत वासना एवं विवेक के मध्य होने वाले द्वंद का सूचक है। कर्तव्य जब हमारा कि कर्तव्य होता है, एक टीचर है, टीचर का कर्तव्य क्या है, हम अच्छे ढंग से पढ़ाएं, बच्चों के अंदर नैतिक गुणों का विकास करें, टीचर का कर्तव्य है। और जब वह किसी बुराई की ओर बढ़ता है तो कर्तव्य और उसकी बुराई दोनों के बीच में द्वंद होता है और यही द्वंद उसको अन्य प्राणियों से क्या करता है, पृथक करता है, अलग करता है। इस तरह से ये होता है। वासना जहां मनुष्य को स्वयं इच्छाओं की तृप्ति की तरफ धकेलती है, वहीं विवेक व्यक्ति को उचित अनुचित का अंतर बताते हुए पर सेवा में संलग्न होकर जीवन के लक्ष्य को खोजने में सहायक होता है। आप ये जान लीजिए कि जहां पर जो है वासना मनुष्य को बुरे कार्यों के लिए प्रेरित करता है, वहीं पर जो है मनुष्य अन्य जीवन से जो है अन्य जंतुओं से अलग होकर के अपने नैतिक द्वंद की ओर बढ़ने लगता है। यही कारण है कि मनुष्य अन्य प्राणियों से सबसे अलग और पृथक बन जाता है। पर सेवा के महत्व का समर्थन करते हुए गांधी जी कहते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो है इस संबंध में कहें, पर सेवा के महत्व का समर्थन करते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि स्वयं को खोजने का एकमात्र, स्वयं को मतलब आप क्या है, इस बात को खोजने का एकमात्र तरीका है कि आप दूसरों की सेवा में खो जाएं। जब आप दूसरों की सेवा में खो जाएंगे तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं।
इससे एक ओर जहां कर्तव्य का बोध जागृत होगा, इससे एक ओर जहां आपके कर्तव्य का बोध होगा जागृत होगा, वहीं दूसरी ओर आध्यात्मिक शांति भी प्राप्त होगी। वहीं दूसरी ओर जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपको शांति भी प्राप्त होगी। यही आत्मिक शांति व्यक्ति की वासना रूपी इच्छाओं को नष्ट करते हुए उसे लोक कल्याण या पर सेवा की ओर ले जा सकती है। इसी आत्मिक शांति से प्रेरित होकर व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होता है। मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? वह अपने कर्तव्यों के प्रति सदैव सजग रहता है और इसी सजगता को ही वह जो है अन्य कार्यों से प्रेरित कराता है। आज तेजी से बदलते समाज में जहां एक तरफ अच्छे लोक प्रशासक की आवश्यकता है, वहीं दूसरी तरफ लोक सेवकों में भी पर सेवा की भावना होना नितांत आवश्यक है। इससे समाज के वंचित वर्गों तक सामाजिक योजना के लाभ को न केवल समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जा सकता है, अपितु बल्कि उनके जीवन स्तर को भी समुन्नत बनाया जा सकता है। अगर आप बात करें कि एक लोक सेवक जो होता है, एक लोक सेवक के अंदर जिन गुणों का विकास होना चाहिए, अगर उन गुणों की बात करें तो वह जो है पर सेवक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पर सेवक होना चाहिए। जैसे आप कभी कभी समाचार पत्रों में देखते होंगे कि अभी हाल ही में बिहार में एक डीएम चर्चा में रहे कि बाढ़ आया हुआ था और स्वयं वो सीमेंट की बोरी अपने कंधे पर ढो रहे थे। तो इससे क्या होता है, इलाहाबाद में भी 2 साल पहले एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें डीएम स्वयं पत्थर ढो रहे थे और उनके गार्ड बगल में खड़े रहे तो भी शर्मिंदा हो जाते हैं, अन्य पब्लिक भी शर्मिंदा होकर क्या करती है, कार्यों में लग जाती। तो ये क्या है, एक नैतिक कर्तव्य है मनुष्य का। अगर इस नैतिक कर्तव्य के प्रति चाहे लोक सेवक हो, चाहे जन सेवक हो, चाहे आप स्वयं हो, जब आप ऐसे कार्यों में जुटेंगे तो निश्चित रूप से दूसरे के लिए क्या बनेंगे, प्रेरणा स्रोत बनेंगे। यह बहुत आवश्यक होता है और तभी आप वंचित वर्गों को लाभ पहुंचा सकते हैं और यही वंचित वर्ग जो है आपके लिए एक अच्छे देश और एक अच्छे नागरिकता का विकास करेगा। द्वितीय जो होता है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी विचार व्यक्त किया है कि राजनीति में नैतिक मानकों में सुधार भ्रष्टाचार को रोकने तथा दुष्प्रशासन को सुधारने के लिए चुनाव को साफ सुथरा संपन्न करवाना बहुत जरूरी है। यह कार्य लोक सेवकों की कर्तव्य निष्ठा से ही संभव है। लोक सेवक जो होते हैं, जैसे आप प्रशासनिक अधिकारी, आईएएस एक लोक सेवक है और यह क्या करता है, आईएएस अधिकारी आपको लगता है ना, बट आपको एक बात बता दो, सेवक है, अधिकारी तो है ही नहीं, वो सेवक है। आप जनता की सेवा करने के लिए दिया गया, बनाया गया है, क्योंकि जब आप टैक्स पे करते हैं उसी से उसको वेतन मिलता है, आपकी मजदूरी के एक अंश को काट करके उसको सुख सुविधाएं मिलती हैं, अब आप ही उसकी सुरक्षा व्यवस्था हैं। इसीलिए कहा गया है जय जवान जय किसान, जवान ही किसान है, किसान ही जवान है। आप जनता है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता का ही शासन है। यह जो है अब्राहम लिंकन का जो कथन है, निश्चित रूप से वो बताता है कि मनुष्य को किन किन चीजों को विधिवत पालन करना चाहिए। तो ये जो है इसका ये निष्ठा तभी आएगी, ये लोक सेवक जब यह कार्य संपन्न करना चाहेंगे तभी यह निष्ठा का विकास होगा उसमें, कि एक सेवक ही अच्छे व्यक्ति की पहचान कर सकता है और वही यह बता सकता है कि कदा मतलब फला नेता भ्रष्टाचारी है, फला नेता अच्छा है, इस तरह के करके ही अच्छे साफ सुथरे चुनाव को वो करा सकता है। इस बात को इसमें किया गया। आगे देखिए, शिक्षा एवं सेवाओं को समाज के अंतिम सोपान तक पहुंचाने का कार्य पर सेवा की भावना द्वारा ही संभव है। अब्राहम मैश्लो इस अवस्था को जिससे व्यक्ति दूसरे की सेवा स्वयं सुख देखने लगता है, सेल्फ, इसको जो है क्या कहा जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की संज्ञा प्रदान करते हैं।
इसको जो है जो अब्राहम मैस्लो जो है क्या कहता है कि जब व्यक्ति इस अवस्था को जिसमें व्यक्ति दूसरे की सेवा में स्वयं का सुख देखने लगता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। जैसे आप देखते होंगे कि इस समय कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में अनुदान आ रहे हैं, जगह जगह भोजन बंट रहे हैं, जगह जगह लोग जो है इस पर अपने कार्य कर रहे हैं, मास्क बेच दे रहे हैं, दवाएं बेच दे रहे हैं, डॉक्टर मरीजों को देखने से मना कर दे रहा है, पुलिस अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं कर रही है, ये सब क्या है? आप एक दूसरे की सेवा के लिए पर सेवा देख अपनी पर सेवा में स्वयं की आप जेब भरने के चक्कर में पड़ जाते हैं और यही जो है आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की संज्ञा प्रदान करता है। इसके बाद देखिए इसको ग्राफ द्वारा आप देखिए क्या है, स्वतृप्ति आवश्यकताएं सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। तो आप देखिए कि स्वतृप्ति आवश्यकताएं और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के द्वारा ये जो आप देख रहे हैं पिरामिड बन रहा है यह क्या है? सबसे बड़ी बात है कि आपकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं जो हैं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं इसकी जो है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं जो हैं ये क्या हैं? मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की अगर बात करें हम तो मनोवैज्ञानिक जो आवश्यकताएं हैं इसकी वो ये कहती हैं, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं वो कह रही हैं कि अगर मनुष्य जो है अपने नैतिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन संतृप्त की आवश्यकताएं और बुनियादी आवश्यकताएं इन सभी की अगर बात करें तो बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं आपकी? भोजन जल नींद आराम, ये जो है बुनियादी आपकी आवश्यकताएं हैं। सुरक्षा भय मुक्ति ये भी बुनियादी सुरक्षा है। और इसके बाद देखिए आपकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं क्या हैं? मित्रता परिवार घनिष्ठ संबंध, ये पूरे क्या हैं आपकी मनोवैज्ञानिक जो है आवश्यकताएं हैं। आत्मसम्मान आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ये भी मनोवैज्ञानिक क्या हैं? सेवाएं हैं। आप अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन समाज में सब कर रहे हैं आप बुरा काम कर रहे हो, बुरा काम कर रहे हो तो आप क्या मनोवैज्ञानिक तौर से थक जाते हैं और परिणाम क्या होता है कि आप अपने कार्यों से भटक जाते हैं। अब इनको देखें ये क्या है, नैतिकता की रचनात्मकता और सहज तथ्यों की स्वीकारोक्ति और पूर्वाग्रहहीनता। कुछ व्यक्ति जो है पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, उनको लगता है कि समाज में सभी व्यक्ति बुरे हैं, अगर उनके साथ कोई एक आदमी बुरा किया है वो सभी को बुरा मानते हैं और या अपने को श्रेष्ठ मानते हैं और उस व्यक्ति को उस तबके को हमेशा नीचा समझते हैं जिसको उसके दादा बाबा नीचे समझते आ रहे हैं, भारतीय संविधान को भी अपने क्या करते हैं इग्नोर करते रहते हैं। इस तरह के भी लोग आपको मिलेंगे जो इससे जुड़े होते हैं। अब आप देखिए कि ये जो आवश्यकताएं थी, अब आपने देखा कि मनुष्य को भय और सुरक्षा भय मुक्ति और भोज्य जल नींद आराम ये उसकी जो है ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य के लिए आवश्यक हैं, मतलब इनको एक तरह से ये उसकी अनिवार्य सेवाएं हैं। अब आप देखिएगा आत्मसम्मान आत्मविश्वास केवल जो है ये क्या होता है, प्रेम सम्मान जो है प्रेम और सगे संबंधी से वो क्या प्राप्त करता है, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास प्राप्त करता है। और इसके बाद मित्रता और परिवार में घनिष्ठ संबंध भी उसको आत्मसम्मान प्रदान करता है। और सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा वो किससे प्राप्त करता है, आपके प्रशासनिक अधिकारी पुलिस है सेना है उसे सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करते हैं। और फिजियोलॉजिकल की बात करें तो फिजियोलॉजिकल क्या है, भोज्य पदार्थ से फिजिकली जो है नींद आराम वो फिजिकली उसे क्या करते आराम करते हैं कराते हैं, यह भी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इसके बाद देखिए अगला है मैस्लो के अनुसार सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की अवधारणा को प्राप्त करने के उपरांत व्यक्ति जाति एवं समाज की सेवा करने में सक्रिय भूमिका निभाता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की लोक प्रशासन के लिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि लोक सेवक ही सरकार एवं समाज के मध्य प्रदाता
माध्यम है। इस तरह लोक सेवकों के लिए शासन की भावना के साथ स्थान पर सेवकों की को आत्मसात करना न केवल साधन है अपितु यह एक साध्य है। वास्तव में यह जो है मनुष्य के लिए सबसे बड़ी अगर बात करें तो ये जो है सबसे इसकी एक वो है कि अगर मनुष्य जो है कभी भी कोई मनुष्य नैतिकता के आता है तो परहित करता है। परहित का मतलब होता है जब आप किसी बीमार व्यक्ति को क्या करते हैं हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं तो आपको उस दिन बड़ी खुशी होती है। उस दिन क्या होती है बहुत खुशी होती है। पर सेवा है और पर सेवा जो है निश्चित सेल्फ एक्सचुराइजेशन की क्रिया है और इस क्रिया में व्यक्ति पहुंच करके क्या करता है अन्य लोगों की सेवा करने लगता है। तो इसकी जब ये प्रश्न इस तरह का प्रश्न आए तो आपको इसी तरह का प्रश्न लिखना है और ये बहुत बड़ी बात होती है कि ये ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। प्रश्न लिखते समय ग्राफ का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से करें और इस तरह से आपका ये प्रश्न लिखा जाएगा इसका उत्तर। ठीक है तो ये आपका रहेगा जीवन का सच्चा अर्थ स्वयं की इच्छाओं की तृप्ति नहीं आप ये दूसरों की सेवा में निहित है। उपयुक्त कथन की विवेचना लोक सेवकों के कर्तव्य पालन के संदर्भ में कीजिए। ये जो है आपका उत्तर होगा। ठीक है इस प्रश्न का उत्तर इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।